जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। अधिक मास में दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का में मंगला के दर्शनों की भावना से। यह एक सनातन सत्य और अकाट्य तथ्य है कि प्रातःकाल उठते ही मंगल कामना मानव मात्र करता है, जिससे उसका दिन आनंदमय बीते। यही कारण है कि प्रभु श्रीनाथ जी की अद्भुत अष्टयाम सेवा प्रणाली का में अमंगल निवृत्त्यर्थम मंगल प्राप्तर्थम की भावना से मंगला की सेवा रखी है। इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक तथ्य को जान लें, इस पर विश्वास करें, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा है, एकम देव श्री देव की पुत्रम, तथा दूसरी आज्ञा की है, यथा देहे तथा देवे। प्रथम आज्ञा कहती है कि देव भगवान ब्रह्म केवल एक श्री कृष्ण हैं, जिनका साक्षात स्वरूप हमारे समक्ष प्रभु श्री गोवर्धन धरण है। दूसरी आज्ञा में प्रभु के तत्सुख की भावना है, अर्थात हमारी देह को जो सुख कर प्रतीत होता है उसी भावना से प्रभु की सेवा करनी है। इसमें सब कुछ आ जाता है, मौसम की अनुकूलता से लगाकर उत्तमोत्तम सामग्रियों तक। उत्कृष्टतम चरित्र के साथ में निर्मलतम भावना का भी इसमें समावेश है। अतः यह निर्विवाद सत्य है कि प्रभु श्री गोवर्धन धरन ही एकमात्र ब्रह्म स्वरूप हैं, जिन्हें निकुंज नायक के रूप में भी हम जानते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड नायक के रूप में भी हम जानते हैं। यदि प्रभु श्री जी का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करें तो श्रीनाथ जी श्री गिरिराज संभूत विग्रह हैं, जिनके बारे में महर्षि गर्गाचार्य ने द्वापर युग में ही भविष्यवाणी कर दी थी। प्रभु श्री जी की प्राकट्य वार्ता पर बीच बीच में हम चर्चा करते रहेंगे। आइए मंगलमुखी सदा सुखी की भावना से आगे बढ़ते हैं। तो यदि हमें अपना मंगल चाहना है तो मंगलमय मंगल स्वरूप केवल श्री गोवर्धन धरणी ही है, उनका प्रातः काल में ही दर्शन कर लें प्रथम, तो फिर उससे अच्छा क्या हो सकता है। इसीलिए मंगला नाम इस दर्शन का रखा है। श्री जी प्रभु के मंगला दर्शन खुलने से पहले कितनी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, क्या आप जानते हैं? सबसे पहले प्रभु को जगाने के लिए शंखनाद किया जाता है। शंखनाद करने की भी अपनी एक प्रक्रिया है। श्री जी मंदिर में स्थित पातल घर से 3 बार शंखनाद किया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्रीनाथ जी में और श्री नवनीत प्रिया जी में घंटनाद नहीं होता है। कारण स्पष्ट है कि प्रभु को शंख अति प्रिय है। शंखनाद के पश्चात प्रभु के जगते ही सबसे पहले मंगल भोग ऋतु अनुसार और मर्यादा अनुसार प्रभु के सम्मुख पधराया जाता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु का सभी सेवा क्रम कीर्तनों के माध्यम से ही चलता है। इसी भावना के तहत शंखनाद से पूर्व और शंखनाद के भोग आने के बाद भी बीन बजाई जाती है। यह बीन अलग अलग स्थलों पर बजाई जाती है, लेकिन जैसे ही मंगल भोग आते हैं कीर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। मंगला दर्शन की भावना पर और अधिक चर्चा हम कल करेंगे। आज की प्रस्तुतियों में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन, फिर एक नजर डालेंगे पुष्टि सृष्टि से उत्सव एवं मनोरथों पर। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से प्रारंभ करते हैं। कलिंद गिरी मस्तकी
आज आसोज अधिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी रविवार 20 सितंबर 2020 है। श्रीनाथ जी में आज माखन चोरी का मनोरथ है, इसी भाव के श्रृंगार धराए जाते हैं। आज अधिक मास के तीसरे दिन अर्थात चतुर्थी को, क्योंकि तृतीया का क्षय है, श्रीनाथ जी में राजभोग में माखन चोरी का मनोरथ है और सायंकाल में फूल मंडली का मनोरथ है। माखन चोरी के मनोरथ की भावना के अनुसार ही श्री जी में आज साज सेवा के तहत माखन चोरी लीला के चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी आज हरी मखमल वाली आती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि भी जड़ाऊ स्वर्ण के ही होते हैं। पड़गा पर बंटा जी में रखकर तांबूल बीड़ा रखे जाते हैं। सम्मुख में धरती पर त्रष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल पीले लहरिया का मल्लकाच एवं पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र मेघ श्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छेड़ान का अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार बाजूबंद पोची हस्त साखला आदि सभी आभरण हरे मीना तथा सोने के धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर टिपारा का साज धराया जाता है, जिसमें स्वर्ण और मोती के टिपारे के ऊपर मध्य में मोर शिखा, दोनों ओर दोहरा कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में हरे मीना के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज कमल माला, श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में जीने लहरिया के वेणु जी और वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया अनुपूर्व बिछियां धराई जाती हैं। खेल के साज में पटलाल एवं गोटी चांदी की बाघ बकरी वाली रखी जाती है। आज शाम को भोग के समय पीछे बाद में पिछवाई बड़ी करके फूल की मंडली धराई जाती है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला राजभोग आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती की जाती है। नित्य नियमानुसार भोग प्रभु को अरोगाया जाता है। प्रभु की राग सेवा के तहत आज माखन चोरी एवं गोपियों के उलाहने के पदों का गान किया जाता है। श्री जी में जहां आज राजभोग में माखन चोरी का मनोरथ और सायंकाल में फूल मंडली का मनोरथ है, तो श्री नवनीत प्रिया जी में आज रथ यात्रा का मनोरथ है। शयन में श्री प्रिया जी खुले रथ में विराजेंगे। जय श्री कृष्ण। अब एक नजर डालते हैं पुष्टि सृष्टि से मनोरथों पर। जय श्री जगन्नाथ हरि देव।
Yeah.
आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाथ के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साह एवं श्री रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।